वेलकम बैक टू आवर चैनल पार्ट टाइम व्लॉगर्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज है 2 अक्टूबर एंड आज छुट्टी है। हम लोग का ऐसे प्लान बन गया कि दहानू महालक्ष्मी मंदिर चलते हैं। जिन जिन को दहानू महालक्ष्मी मंदिर के बारे में नहीं पता है वो व्लॉग में बने रहिए। मैं आपको महालक्ष्मी मंदिर लेके चलती हूँ, दर्शन भी करा दूँगी एंड उसके बारे में थोड़ी चीज़ें आप लोग को बता भी दूँगी कि उसकी हिस्ट्री क्या है, उसके बारे में क्यों इतनी बोली जाती है। एंड मैंने काफ़ी सुना है कि काफ़ी लोग जाते हैं महालक्ष्मी मंदिर दर्शन करने। तो महालक्ष्मी टेम्पल आता है पालघर डिस्ट्रिक्ट में दहानू में, जो मुंबई से 85 किलोमीटर्स दूर है। आप रोडवेज से भी जा सकते हो, प्राइवेट व्हीकल से, या तो फिर आप ट्रेन से भी जा सकते हो एंड आपको दहानू स्टेशन उतर के इजीली रिक्शा मिल जाता है फॉर महालक्ष्मी टेम्पल। ये है श्रीदत्त स्नैक्स मनोर में, जहाँ हम रुके थे कुछ खाने एंड कॉफ़ी पीने, चाय पीने। ये जगह बहुत फेमस है, बहुत इकोनॉमिकल है। आपको यहाँ पे वड़ा पाव एंड पोहा, उपमा, सब गर्म नाश्ता इजीली अवेलेबल मिल जाएगा। ये हम पहुँच गए दहानू महालक्ष्मी मंदिर। हमें 2 आवर्स जितना लगा था, क्योंकि सुबह का टाइम था, ट्रैफिक नहीं था। यहाँ आपको पार्किंग अच्छे से एम्पल स्पेस है मिल जाएगा। जैसे ही घुसते हैं वहाँ पे, जैसे आपको पता है महालक्ष्मी जी को लोटस बहुत पसंद है, तो वाइट एंड पिंक लोटस दोनों है एंड काफ़ी सारी शॉप्स है जो आपको पूजा के आइटम्स सेल करते हुए दिखाई देंगी ऑन द वे टू द टेम्पल। ये थोड़ा सा भीड़ था, थोड़ा नहीं भी था। मूविंग क्राउड काइंड ऑफ था जब हम मंदिर पहुँचे वहाँ पे तभी। ये महालक्ष्मी टेम्पल 1306 में बना था एंड इतना साल पुराना ये टेम्पल है। अगर इसके ओपन आवर्स बताओ तो ये ट्यूसडे को 3:15 सुबह ओपन हो जाता है एंड रेस्ट ऑफ द डेज़ ये 5:30 ओपन होता है। आप दर्शन के लिए वैसे प्लान करके आ सकते हैं। इन्होंने अच्छा अरेंजमेंट किया है लाइन के लिए। जब बहुत ज़्यादा भीड़ होती है तब इन्होंने एक क्यू वाला सिस्टम बनाया है, तो अच्छे से आप दर्शन कर सकते हो एंड क्राउडिंग का भी कोई इशू नहीं रहेगा। ये पूरा क्रॉस करके देन हम पहुंच जाते हैं फाइनली महालक्ष्मी जी के टेंपल एंड बहुत प्रिटी आइडल है वहाँ पे एंड बहुत शांति से आप अपने दर्शन कर सकते हो। खड़े रह के पीसफुली आप अपनी चीज़ें उनसे मांग सकते हो एंड उनसे खड़े रह सकते हो उनके वहाँ पे। ये है महालक्ष्मी टेम्पल दहानू का एंड इसके यहाँ पे आगे चल के एक बोर्ड भी है जहाँ पे इन्होंने पूरा इसका हिस्ट्री लिखा हुआ है, तो अगर आप वो जानने में इंटरेस्टेड है तो आप वो भी एक बार चेकआउट कर सकते हैं। महालक्ष्मी दहानू टेम्पल में नवरात्रि के टाइम पर मेला लगता है, तो 9 डेज़ का यहाँ पर मेला रहता है। तब आई गेस थोड़ी सी ज़्यादा भीड़ मिल सकती है आपको एंड यस दिवाली के टाइम पर तो रहती ही है। ये है महालक्ष्मी टेम्पल दहानू एंड ये देखेंगे तो ये पूरा हिस्ट्री है कि ये टेम्पल कब बना था, कैसे बना था एंड ऑल दी अदर इन्फॉर्मेशन। इसके आगे चलेंगे तो एक कार्यालय है जहाँ पे आप अगर कुछ डोनेट करना चाहते हो तो आप वो डोनेट कर सकते हो, और एल्स अगर आपको लंगर का प्रसाद लेना है तो आप वो भी ले सकते हो। एंड मैं बताना भूल गई, प्रसाद के लिए यहाँ पे बाहर पेड़े थे जो शुगर, शुगर फ्री एंड शुगर लेस 3 वैरायटी में आपको अवेलेबल है, जो आप महालक्ष्मी जी को चढ़ा सकते हो। ये था एंटायर टूर ऑफ दहानू टेम्पल। दहानू महालक्ष्मी टेम्पल के दर्शन करने के बाद जैसे ही आप बाहर आएंगे आपको कुछ लेडीज़ मिलेंगी जो उनके जो फार्म के प्रोड्यूस वाले वेजिटेबल्स होते हैं वो सेल करती हुई आपको दिखाई देंगी। तो यहाँ पे ये चीज़ें वाटा के हिसाब से बेची जाती है, एक वाटा, 2 वाटा वैसे आप खरीद सकते हो। ये था महालक्ष्मी टेम्पल का टूर।